I think it's just incredible how this is his second World Cup, he's just twenty-three. Kitney regularly mubape big stage big performance. It's it's for someone so young, already he's already so historic. Mbappe. please. That boy no. That boy बट सीरियसली रिहान अगर हम इस वक्त देखें एक जो हार्टनिंग चीज़ थी एक तो आई थिंक जितनी मर्जी पोलैंड पे पहले तनकीद की हो कि जिस तरह वो ग्रुप स्टेज में खेले थे दैट वॉज इन इम्प्रेसिव आई मीन ये स्पीकिंग लेकिन पोलैंड एक्चुअली डिड कम अपड्रेड परसेंट और पोलैंड को आपको क्रेडिट देना चाहिए क्योंकि दे अगर एंड अगेन्स फ्रांस तो बेसिकली दी इंडिविजुअल ब्रिलियंस इन दैट फ्रांस टीम इतनी ज़्यादा है कि आप उनको रोक नहीं सकते तो बेसिकली क्या होता है काफ़ी दफ़ा कि टीम्स ये सोचती हैं कि फ़ुरानी टीम का ये सिस्टम है हम इस सिस्टम के अगेंस्ट ये सेटअप करेंगे ये पोजेसन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं काउंटर अटैक पर खेलते हैं ये वो ओवरलोड क्रिएट करते हैं विंग्स पर हर टीम की एक आइडेंटिटी होती है प्रॉब्लम फ्रांस के साथ ये है कि उनकी आइडेंटिटी है कि ग्रेजमैन डम्बेले एम्बापे एनी वन उज कमिंग ऑफ द बेंच किंग किंग गोमन उनमें से किसी को भी बॉल दे दो जो दूसरे लोगों के लिए लो प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं इनके लिए वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं द एरियाज दे गेट इन टू एंड देन हाउ इजली गो पास पीपल इट इज स्केरी समटाइम्स टू वॉच फ्रांस और आपको अभी भी लगता है कि फ्रांस है ऑनेस्टलीर इज आई एम श्योर आई एमर विल कम टू द एक्सटेंड एवरी थिंग ऑनस्टली आई डो नाट थिंक फ्रांस हैव येट प्ले टू देर पोटेंशियल